अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अल्लाह रखा मकरानी वेलकम करता हूं आपको अपनी चैनल अल्लाह रखा बजरी पैरोट्स में। और उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर खैरियत से होंगे, आपके वर्ड्स भी ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज के वीडियो का टॉपिक है कि अभी विंटर सीजन यानी कि ठंडी की जो सीजन है वो चालू हो चुकी है। ऐसे मौसम के अंदर हम अपने बजीज को कैसी केयर करना चाहिए उनकी और उनको कैसा सॉफ्ट फूड देना चाहिए। तो आज मैं एक ऐसा सॉफ्ट फूड अपने बजीज को देने वाला हूँ कि जिसकी आपके बजीज को ज्यादा जरूरत है ऐसे मौसम के अंदर। तो आज मैं गंदुम देने वाला हूँ, वेट देने वाला हूँ दोस्तों। तो गंदुम देने का सही तरीका क्या है विंटर सीजन के अंदर? तो दोस्तों गंदुम के अंदर दोनों चीज पाई जाती है, यानी कि दोनों तासीर ठंडे और गर्म दोनों पाई जाती है। लेकिन उसको देने का ठंडी के ऋतु में तरीका यह है कि उसको बॉईल करके देते हैं और गर्मी की सीजन के अंदर उसको हम पानी में भिगो कर देते हैं। पानी में भिगो कर देंगे तो दोस्तों उसकी तासीर ठंडी हो जाएगी और अगर बॉईल करके देंगे तो उसकी तासीर गर्म हो जाएगी। तो अभी विंटर सीजन चालू है, मैं अपने बजीज को आज गंदुम देने वाला हूँ। तो मैंने बॉईल करके रखे हुए गंदुम, तो उसको देने का क्या है? तो दोस्तों आज के वीडियो के अंदर मैं आपको दो ऐसी चीजें बताऊंगा जिसे हम गंदुम में मिलाकर अपने बजीज को देंगे तो उससे हमारे जो बजीज है वो अच्छे से अच्छे एग्स ले करेंगे, हमारे बजीज की मल्टीविटामिन, इसके अलावा कैल्शियम और उनके हर चीज की कमी पूरी हो जाएगी और हमारे बजीज एक सक्सेसफुल ब्रीडिंग करेंगे, अच्छे से अच्छे एग्स देंगे और अच्छे से अच्छे चिक्स निकालेंगे। तो चलिए मैं वीडियो में बताता हूँ आपको कि गंदुम में मैं क्या डालूंगा और किस तरीके से हमें क्या करना है। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गंदुम है, आप देख सकते हैं किस तरीके से मैंने इसको बॉइल किए हुए हैं। आपको अपने बजीज को जितना भी गंदुम देना है, जितने भी गेहूं देना है, तो आपने उतने गेहूं लेकर उसको बॉईल करने के लिए रख देना है। दोस्तों बॉईल करने का तरीका यह है कि आप 15 मिनट ऐसे रख सकते हैं जब तक कि गंदुम बिल्कुल नरम ना हो जाए और ऐसे हाथ से टूटे ना। दोस्तों इस तरीके से हमें उसको ये कर लेना है ताकि हमारे बजीज नरम गंदुम को आसानी से खा सके। तो अब ये बॉईल किए हुए गंदुम है, मैं इसके अंदर से पानी को अलग कर लेता हूँ। तो उसके लिए हमें यह चाहिए, तो मैं चलो पानी को अलग करके आपको दिखाता हूँ। दोस्तों ये बॉईल किए हुए गंदुम मैंने पानी से अलग कर लिए हैं, लेकिन ये अभी तक गीले हैं। तो इसको हमें करना क्या है कि एक ऐसा हमें रुमाल ले लेना है, दोस्तों आप देख सकते हैं आपके घर में होगा, और इसके अंदर इसको हम डाल लेंगे पूरा। इसके अंदर डालने के बाद दोस्तों हमें इसको पूरा सुखा लेना है, यानी कि ऊपर से बंद करके इसके अंदर का पूरा पानी हमें निकाल लेना है। तो दोस्तों इसके अंदर से मैंने बिल्कुल इसको सुखा लिया है रुमाल में डालकर, आप देख सकते हैं अब ये बिल्कुल तैयार है अपने बजीज को देने के लिए। लेकिन उससे पहले हम इसके अंदर दो चीज़ डालेंगे, तो वो क्या है चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले आप ये देख सकते हैं कि ये पाउडर है, तो ये पाउडर किस चीज़ का है दोस्तों? हम कटल फिश बोन जो अपने बजीज को देते हैं ये उसका पाउडर है। कभी कभी हमारे बजीज जो हम पूरे लटका देते हैं दोस्तों तो उसमें से नहीं खा पाते, तो उसका मैंने पाउडर बना लिया है। तो ये जब भी मैं कुछ भी ऐसी देता हूँ दोस्तों सॉफ्ट फूड, तो उसके अंदर मैं अपने बजीज को मिलाकर देता हूँ। और इसके अलावा एक और पाउडर मैं अपने बजीज को देता हूँ, ये पाउडर किस चीज़ का है? तो दोस्तों ये मोरिंगा पाउडर है। तो ये मोरिंगा पाउडर, इसको सुहाजना भी बोलते हैं उर्दू में दोस्तों। तो इसके ऊपर मैं पूरा वीडियो बनाऊंगा कि हमें इसको किस तरीके से अपने बजीज को देने के लिए तैयार करना है और इसके क्या फ़ायदे होते हैं हमारे बजीज को देने से। तो चलिए दोस्तों अब मैं इसके अंदर ये पाउडर डालता हूँ। तो कितनी मिकदार में डालना है तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो आपने एक चम्मच ले लेनी है, इसके अलावा दोस्तों आपने इतना ले लेना है ये मोरिंगा पाउडर, सुहाजना पाउडर, और इसके अंदर इस तरीके से डाल देना है। इसके बाद में दोस्तों हम कटल फिशबोन का पाउडर लेंगे, तो वो भी हमें उतना ही ले लेना है। आप देख सकते हैं इतना पाउडर ले लेना है। अगर आप ये ज़्यादा भी डाल देंगे तो दोस्तों इससे कोई दिक्कत नहीं होगी हमारे बजीज को, ज़्यादा डालने से भी कोई नुकसान नहीं और कम डालने से भी कोई नुकसान नहीं। लेकिन हमें कम मिकदार पे मतलब कि एक अच्छे तरीके से डालना है ताकि बहुत ज़्यादा कोई चीज़ ना हो जाए। तो चलिए अब ये दोनों को मैंने अंदर डाल दिया है, अब मैं इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेता हूँ। तो दोस्तों अब हम इसको मिला देंगे, आपस में मिक्स कर देंगे। आप हाथ धोरे और उसके बाद ही इसको मिक्स करें ताकि आपके हाथ की गंदगी सॉफ्ट फूड के ऊपर ना लगे।
दोस्तों ये सुहाजना पाउडर, मोरिंगा पाउडर और कटल फिशबोन हम अपने बजीज को देते हैं तो इससे बहुत ज़्यादा फवायद होते हैं। हमारे बजीज को काफ़ी अच्छी ताकत मिलती है ब्रीडिंग करने के लिए, विटामिन और कैल्शियम की कमी इनकी पूरी हो जाती है और ये एक सक्सेसफुल ब्रीडिंग करते हैं। मुझे इसके फवायद देखने को मिले हैं इसलिए मैंने सोचा कि चलो इस पर मैं वीडियो बना देता हूँ और अपने व्यूवर्स को मैं इसके बारे में बताता हूँ। तो मोरिंगा पाउडर के ऊपर मैं पूरी डिटेल में वीडियो बनाऊंगा आने वाला, तो आप मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन दबा ले ताकि वो वीडियो जब भी अपलोड करूँ तो आप पे उसका नोटिफिकेशन आ जाए, आप पे वो वीडियो आ जाए। तो चलिए अब मैं अपनी कॉलोनी में रखूंगा। तो गाइज आप देख सकते हैं कि मेरे बजीज गंदुम को किस तरीके से खाने के लिए उतर चुके हैं। इस तरीके से मैं अपने बजीज को दोस्तों 3 दिन छोड़कर देते रहता हूं। इसके अलावा जो दोस्तों ब्रीडिंग डाइट के ऊपर मैंने वीडियो बनाया था जिसमें मैंने अलग अलग दालों को दिया था अपने बजीज को, तो उस चीज़ के अंदर भी मैं मोरिंगा पाउडर और कटल फिशबोन का पाउडर मिक्स करके देता हूँ। इसके अलावा भुट्टा देता हूँ। तो दोस्तों इस तरीके से आप सॉफ्ट फूड में अगर ये कटल फिशबोन पाउडर और मोरिंगा पाउडर को मिक्स करके देंगे तो आपके बजीज एक सक्सेसफुल ब्रीडिंग करेंगे और इससे मुझे फ़ायदा भी हुआ है जिसके बारे में मैं आगे आने वाले वीडियो में आपको बताऊंगा ज़रूर दोस्तों प्रोग्रेस में। तो आप भी इस तरीके से अपने बजीज को यूज़ करवाइए, आपके बजीज को इससे बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं पर ख़त्म करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए। तो दोस्तों मिलते हैं एक और ऐसे नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए दुआ में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए। वालेकुम।